सिक्स वाली बात हम करेंगे बाद में, अभी हम करते हैं फाइव वाली। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ, ठीक है, 2 to 6 लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल एंड ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 क्लासेस, फर्स्ट वन प्लांटी, सेकंड वन एनिमलिया। दो चीजों में किया, प्लांट और एनिमल्स। अब बात आती है कि भाई इसने दो में क्यों किया, इसने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया, ठीक है। प्लांट्स क्या, ऑटोटॉफ्स, ऑटो मतलब क्या, खुद, ऑटोनोमस से निकला है, ऑटो मींस खुद। वो कहता है विच मेड देयर ओन फूड, जो कि खुराक खुद तैयार कर सके, किससे, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, हमें जमीन से जो सब्सटेंसेस मिलते हैं पौधे उनसे क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस वजह से हम ये क्या कहते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ मतलब क्या, डिफरेंट। सिंपल अल्फाज में अगर हम लोग बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, व्हिच आर नॉट कैपेबल, जिसका भी नहीं है, मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने तीन, अगर हम कहें हमारे पास सिस्टम है डीकंपोजर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड लास्ट में डीकंपोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या, प्लांट्स, एनिमल्स क्या, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी दो तीन किस्म होते हैं, पानी, स्कैंडी एंड फ्लैशी। अब एक बात आती है, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहले डिफरेंस क्या है। अच्छा बेटा, यहां पे मसला क्या आया, डिफेक्ट्स इन द ग्लोबलिज्म, एक ऑर्गेनिज्म था that have the characteristics both the plant like and the animal like. Now we have to look plant like कैसे हैं, इसके पास chlorophyll था, लेकिन animal like characteristics क्या, plant के पास हमेशा क्या होते हैं, सलवार होती है, लेकिन इनके पास नहीं होती। इस वजह से two kingdom classification क्या कह दिया गया, थोड़ी देर पहले इसको इससे ज़्यादा advanced की गई, और कहता है उसी के बाद 1866 में, ठीक है, डेट्स आप देखिएगा। अगर हम बात करें कि टर्म हम समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रो मींस बिफोर, कैरियन निकला ही न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से पहले, एंड यू मींस टू न्यूक्लियस। तो वो कहता है कि इन्होंने ये टर्म दी, उसके बाद ये सारे मेथड्स चेंज हो गए। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर एक डिफेक्ट आया कि जो यीस्ट मोल्ड और फंजाई, फंजाई जो था ना, ये मेन प्रॉब्लम था, इसे क्या था, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ये हेटेरोट्रॉफ था, ये ऑटोट्रॉफ नहीं था। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्लांट्स फंजाई पर इंक्लूडेड इन दी प्लांट्स, ये किसके अंदर शामिल था, प्लांट्स। फिर इसी वजह से डेट्स वाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से हम मूव ऑन किया किसकी तरफ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब पहली बात आती है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, वो दिया रॉबर्ट व्हिटेकर ने, ठीक है, 1960s में। इसके अंदर मोनिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बात करते हैं मोनिया, मोनिया में सारे क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, सारे क्या थे, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर सेल्स थे, बैक्टीरिया, सेलुलर बैक्टीरिया। प्रोटिस्ट भी क्या था, अच्छा प्रोटिस्ट सिंपल मल्टी सेलुलर था, प्रोटिस्ट क्या थे, सिंपल मल्टी सेलुलर। लेकिन जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, वो कहता है कि वो अब क्या, सिंपल सी बात है, इनका भी प्रोटिस्ट का कुछ का जो था वो क्या था, हेटेरोट्रॉफ। फिर बात आती है फंजाई, फंजाई हेटेरोट्रॉफ है लेकिन मल्टी सेलुलर है, इनके अंदर जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन ये इनके पर डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करने के बाद इनकी खुराक हमेशा लेते थे। और बेटा एक बात, फंजाई ही क्या है, डीकम्पोजर्स में भी आते हैं। अच्छा उसके बाद प्लांट और एनिमलिया, मैंने पहले बता दिया ये दोनों मल्टी सेलुलर है, एक ऑटोट्रॉफ है, एक हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन ना एक बात जो मेन इंपॉर्टेंट है,
वो ये है कि किसके बल पे हम क्लासिफिकेशन किस चीज पे प्रपोज किया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। लेकिन जब 1988 में मार्कस और शॉर्ट्स ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, उन्होंने ये कहा कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसके अंदर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के ऊपर क्या किया इसने, इनको क्लासिफाई, और इवन क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर